गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10, ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग. तीन वर्ड्स हैं ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग और तीनों ही रिलेटेड हैं प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन से कि प्रोडक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो. एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, तो अगर आपको प्रोडक्ट का नेम ना बताया जाए स्टिल आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इन तीनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी आपको पता होगी. तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट की मैनेजमेंट का, और कुछ जो उससे सिलेक्टेड मार्केटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड हैं उनमें आता है ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जो हम करते हैं प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई करवाने के लिए. जो कंज्यूमर है खाली बॉटल को देख के ही वो बता सकता है कि वो किस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है. जो शेप होती है लिम्का की बॉटल की वो डिफरेंट होती है, जो कोको कोला की बॉटल होती है वो डिफरेंट होती है. तो अगर मैं उसके ऊपर से जो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है उसको हटा भी दूं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लिम्का कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और वो कोको कोला कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है. तो जो ब्रांडिंग लेबलिंग और पैकेजिंग है ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए होती है कि प्रोडक्ट को आपको कैसे आइडेंटिफाई कंज्यूमर उसको करे और कैसे वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो कंज्यूमर है उसे इजीली पता चल सके कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है. सेवरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है, सेम काइंड के हो सकते हैं, लेकिन उन सबको जब हम देखते हैं तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ होती है. किसी का शेप अलग होता है, किसी का साइज़ अलग होता है, किसी के ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अलग यूज़ किया होता है, और उसी से जो कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है. तो जो मेन पर्पस होता है हर एक मैन्युफैक्चरर का ब्रांडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग करने का वो ये कि वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सके दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट से ताकि जो कंज्यूमर है उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सके. इसी पर्पस के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपने प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिक नेम रखते हैं जो ब्रांड नेम के अंडर आ जाता है और जिसमें कोई भी वर्ड, लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर, साइन, सिंबल, डिज़ाइन या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसे आप टिक मार्क अगर लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाइक से रिलेटेड प्रोडक्ट है. अगर आपका जो लेस चिप्स का पैकेट है आपको उसके कलर से पता चल जाएगा कि वो कौन से फ्लेवर का पैकेट है. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इस प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग, और इसी को हम ब्रीफ में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है दैट इज़ ब्रांडिंग. ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को किसी नेम से, मार्क से, या नेम और मार्क दोनों के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफाई करवाते हैं. जो ब्रांड होता है वो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है. ब्रांडिंग का मतलब है कि आप एक स्पेसिफाई नेम दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को, और वो जो सेलर है उसका वो देता है. जो स्पेसिफाइड नेम है वो हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में प्रोडक्ट को, और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसे डिफ्रेंशिएट करने में. तो आप ब्रांडिंग जो है वो आपको हेल्प करती है कॉम्पिटिशन मीट आउट करने में भी और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से प्लेस करने में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लक्स है या मैं कहूँ कि हमाम है, तो जो लक्स है वो भी एक ब्रांड है, जो हमाम है वो भी एक ब्रांड है. अगर मैं डव का नाम ले रही हूँ तो डव भी एक ब्रांड है. तो अब उनका जो लिखने का तरीका है लक्स को या उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर जिस तरीके से उसने स्टैम्प किया है उसका जो स्टाइल है वो अलग है. सेम तरीके से अगर हमाम देखूंगी मैं प्रोडक्ट तो उसका अलग है, डव का है वो अलग है. तो ये जो नेम है जो आप अपने प्रोडक्ट को दे रहे हो लक्स, डव या हमाम, ये उसके ब्रांड नेम्स हैं जिससे जो कस्टमर है उसे हेल्प होती है अपना बाइंग डिसीजन लेने में और उसका जो सर्च टाइम है प्रोडक्ट को ढूंढने में वो कम लगता है. तो जो ब्रांडिंग है वो प्रोडक्ट को इंडिविजुअलिटी देती है, उसको नेम देती है. सिंपल सा एग्जांपल हम कहें, अगर हम सभी ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, इसको जब हम कंपेयर करते हैं सभी ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो सबके दो कान हैं, एक नाक है, दो लिप्स हैं, दो आईज हैं, लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई करते कैसे करते हैं उनके नेम से. सेम तरीके से अगर हम बाथिंग सोप की बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा, सभी प्रोडक्ट्स जो हैं मेन पर्पस वही है, शेप
आप मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की सेम आपको मिलेगी कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा या नहीं तो ओवल शेप में होगा। ओवल शेप के बहुत सारे सोप्स होंगे या रेक्टेंगल शेप के बहुत सारे सोप्स होंगे, लेकिन आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो? आप उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हो उनके ब्रांड नेम से। तो जो ब्रांडिंग है वो प्रोसेस है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ब्रांड कर रहे हो। तो ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोडक्ट इज ब्रांडेड। ब्रांड और ब्रांडिंग दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। जो ब्रांड है दैट इज नेम जो आप प्रोडक्ट को दे रहे हैं, और जो ब्रांडिंग है वो प्रोसेस है वो नेम देने का। तो ब्रांडिंग क्या है? प्रोसेस है बाय विच अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग ब्रांडेड। तो ब्रांडिंग प्रोसेस है। रीजंस क्या है ब्रांडिंग के? ये फैसिलिटेट करता है कि आप आइडेंटिफाई कर सको पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को, फैसिलिटेट करता है इजी एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, क्रिएट करता है स्पेशल कंज्यूमर प्रेफरेंस अबाउट द प्रोडक्ट, इंश्योर करता है स्टैंडर्ड क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन बायर को मिले प्रोडक्ट से रिलेटेड, इंक्रीज करता है सेल्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, और इंस्ट्रूमेंट है जो यूज आप कर सकते हो फॉर सेल्स प्रमोशन इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, हेल्प करता है मार्केट सेगमेंटेशन को इजी करने में, फैसिलिटेट करता है इन लॉन्चिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विद द सेम ब्रांड, और इज रेडी एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट की इजीली हो जाती है बाय मिडलमैन, और रिड्यूस करता है पर्सनल परवेसिव सेलिंग एफर्ट्स बाय द सेल्समैन। तो जो ब्रांडिंग है वो एसेंशियल है ताकि आप इमीडिएट जो अटेंशन है कंज्यूमर की उसे ग्राब कर सको, और जो कंज्यूमर है उसकी आई में प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट आप दिखा सको, और ये हेल्प भी करता है टू क्रिएट गुडविल फॉर द फर्म, और जो गुडविल कस्टमर्स की है उसे भी आप गेन कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है ब्रांड का? ब्रांड जो है, ब्रांड का मतलब है एक नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन जो आप यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, उसे हम ब्रांड कहते हैं। ब्रांड और ट्रेडमार्क दो चीजें हैं। अगर आप ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। हर जो ट्रेडमार्क है वो ब्रांड होगा, लेकिन हर ब्रांड ट्रेडमार्क हो ये जरूरी नहीं है। एक जो बायर है वो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को विद अ ब्रांड नेम, और जो सेलर है उसे चांस मिल जाता है गुडविल अर्न करने का मार्केट में। तो जो ब्रांड है एक्चुअल में वो प्रोडक्ट की इमेज, क्वालिटी और वैल्यू को बताता है। जो ब्रांड है वो इन्फ्लुएंस करता है बायर को इन मेकिंग बाइंग डिसीजन, और उसका सर्च टाइम जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम विच इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। वही चीज जो अभी तक हमने पढ़ी कि ब्रांड नेम क्या है, एक नेम है, टर्म है, सिंबल है, डिजाइन हो सकता है या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसका पर्पस है प्रोडक्ट जो है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, सर्विस जो है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके जो एक सेलर दे रहा है या ग्रुप ऑफ सेलर्स दे रहे हैं, और उसे डिफरेंशिएट किया जा सके जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उससे। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम जो है उसमें वर्ड्स, लेटर्स या नंबर्स हो सकते हैं जो आप प्रोनाउंस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल LG, BPL, Onida, Sony, ये सारे ब्रांड नेम्स है। तो जो ब्रांड नेम है वो पार्ट है ब्रांड का। ब्रांड जो वर्ड है उसमें भी आगे फर्दर पार्ट्स है। ब्रांड नेम आ सकता है, ब्रांड मार्क आ सकता है, ब्रांड सिंबल आ सकता है। तो हम ब्रांड के अंदर ब्रांड नेम की बात कर रहे हैं। तो ब्रांड नेम जो है वो पार्ट है ब्रांड का, जिसमें कुछ वर्ड हो सकता है, लेटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, जो एक नेम बनाते हैं और जिसका पर्पस वही कि जो गुड और सर्विस है एक सेलर की उसे आइडेंटिफाई कर सको आप और उसे डिफरेंशिएट कर सको उसके कॉम्पिटिटर से। फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स है, वीडियोकॉन है, लक्स है, हिमाम है, बिस्लरी है, निर्मा, मारुति, कोको कोला, टाटा, ACC एसेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये ब्रांड नेम्स हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड का वो पार्ट जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो फ्रॉम एनी सिंबल, डिजाइन या किसी डिस्टिंक्ट कलर या लेटरिंग से, उसे आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ब्रांड मार्क जो है वो सिंबल की फॉर्म में हो सकता है,
डिजाइन की फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर आप लक्स का ब्रांड देखो तो लक्स का जो LUX लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट होगा, वो मार्क है कह सकते हो आप, या उसके ऊपर एक फ्लावर बना हुआ होता है डिफरेंट तरीके का, तो वो ब्रांड मार्क हो सकता है। और जो ब्रांड मार्क है उसे आप सिर्फ देख के आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसे प्रनाउंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो एयर इंडिया है उसमें एक महाराजा बना हुआ होता है, या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसमें दो एरोज बने होते हैं, या रेड क्रॉस का जो साइन है प्लस साइन है रेड कलर में। तो ये क्या है, सारे सिंबल डिजाइन या डिस्टिंग कलरिंग और लेटर आप यूज कर रहे हो टू मेक अ ब्रांड मार्क। तो जो ब्रांड मार्क है वो पावरफुल टेक्निक है किसी भी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने की। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, टिक मार्क का साइन होता है नाइक के प्रोडक्ट में। देन नेक्स्ट इज योर लोगो। लोगो क्या है, जैसे ब्रांड मार्क होता है सेम उसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल सिंबल, पिक्चर का जो सिंबल है उससे जो कंपनी है उसका मेन पर्पस रहता है कि कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करे। जैसे किसी भी तरीके का फ्लैग हो गया, या मैस्कॉट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ग्राफिक डिजाइंस हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं एज अ लोगो टू कन्वे द मैसेज। जैसे अगर आप SBI का जो साइन है वो देखें तो सर्कल की फॉर्म में होता है, फुल सर्कल नहीं होता है, हाफ हाफ फॉर्म में सर्कल होता है और बीच में एक लाइन होती है, तो वो क्या है, लोगो है जो आपका SBI है उसका। सेम तरीके से पंजाब नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर शूज, लिबर्टी शूज, टाटा ट्रक्स, मारुति कार, MF टायर्स, इन सब का आप अगर लोगो देखें तो आप खाली उस पिक्टोरियल डिजाइन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट को। और जो कंपनीज हैं वो अपना लोगो चेंज करती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कई बार कंपनीज लोगो चेंज करके भी जो नए बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है। देन नेक्स्ट इज योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है वो एक लीगल टर्म है। जब आप एक ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हो, उसे लीगलाइज करवा लेते हो, तो वो एक ट्रेडमार्क बन जाता है। तो एक ब्रांड जो रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958, उसे हम ट्रेडमार्क कहेंगे। सिर्फ उन्हीं ब्रांड नेम्स को आप ट्रेडमार्क कह सकते हो जो रजिस्टर्ड हैं विद द गवर्नमेंट। According to American Marketing Association, trademark has been defined as a brand which is given legal protection because under the law it has been appropriated exclusively by one seller. जब आप एक ब्रांड नेम को रजिस्टर करवा लेते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, और उस ट्रेडमार्क को कोई और विदाउट योर परमिशन यूज नहीं कर सकता है। तो अगर कोई यूज करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक जो ब्रांड है जब वो रजिस्टर्ड हो गया तो वो ट्रेडमार्क बन गया, और वो आपकी इंटेलेक्चुअल राइट जो है वो बन जाती है, इंटेलेक्चुअल एसेट जो है वो आपकी बन जाती है। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड मार्क एंड ब्रांड। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक ब्रांड का जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे रजिस्टर करवा लेते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांड नेम के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। देन स्कोप की बात करें तो जो ब्रांड है उसका स्कोप लिमिटेड है, जबकि जो ट्रेडमार्क है उसका स्कोप वाइड है। कोई भी बिजनेस फॉर्म जो है डिफरेंट ब्रांड्स यूज कर सकती है डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो एक ट्रेडमार्क यूज करती है सभी के लिए। देन नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन। जो ब्रांड है उसे आपका कॉम्पिटिटर कॉपी कर सकता है। आप का अगर ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है तो उसको कोई भी कॉम्पिटिटर जो है कॉपी नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट इज योर नेचर। इसमें लीगल प्रोटेक्शन में एक चीज और, कि अगर ब्रांड आपका कॉपी हो गया है तो आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते जिसने कॉपी किया है, लेकिन अगर ट्रेडमार्क किसी ने कॉपी किया है तो उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट इज नेचर। जो सारे ब्रांड्स हैं वो ट्रेडमार्क्स नहीं होते, लेकिन सभी जो ट्रेडमार्क्स हैं वो ब्रांड्स होते हैं। देन यूज। जो ब्रांड्स है उसे कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जो ट्रेडमार्क है उसे सिर्फ वही बिजनेस फर्म यूज कर सकती है जिसने उसे रजिस्टर करवाया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।